बहुत घना जंगल था। जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उस जंगल का राजा शेर था। एक दिन की बात है, एक पेड़ के नीचे शेर आराम कर रहा था। तभी वहां एक चूहा आ पहुंचा। शेर को सोता हुआ देखकर चूहे को शरारत सूझने लगी। चूहा शेर के ऊपर चढ़ के नाचने लगा और गाने लगा। कभी वह शेर की पीठ पर चढ़ता तो उसके सर पर कूदता। अचानक शेर की नींद खुल गई। उसने चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया। शेर का गुस्सा देखकर चूहा मिन्नतें करने लगा। चूहे ने शेर से प्रार्थना की कि अगर वो उसे जाने देगा तो जरूरत पड़ने पर वो भी शेर के काम आ सकता है। चूहे की बात सुनकर शेर जोर जोर से हंसने लगा। शेर चूहे से कहने लगा कि तुम जैसा छोटा जानवर भला मेरे क्या काम आ सकता है। शेर को चूहे पर दया आ गई और उसने चूहे को जाने दिया। कुछ दिनों बाद उसी जंगल में शेर का शिकार करने वाले कुछ शिकारी वहां आ पहुंचे। शिकारियों ने शेर को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया। शेर जंगल में घूमते घूमते उन शिकारियों के जाल में फंस गया। जैसे ही शेर जाल में फंसा वह जोर जोर से दहाड़ने लगा। उसके दहाड़ने की आवाज जंगल के सारे जानवरों को सुनाई देने लगी। चूहा भी जंगल में ही रहता था तो उसने भी शेर की आवाज सुनी। शेर बहुत जोर जोर से दहाड़ रहा था। चूहे को लगा कि शेर कोई मुसीबत में होगा। चूहा आवाज की ओर दौड़ पड़ा। चूहे ने सोचा कि शेर के एहसान का बदला चुकाने का यही सही वक्त था। जैसे ही वह शेर के पास पहुंचा तो उसने देखा शेर एक जाल में फंसा हुआ था। चूहे ने शेर को दिलासा देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा। चूहे ने अपने नोकीले दांतों से जाल को कुतरना शुरू किया। वह धीरे धीरे पूरा जाल काटने लगा। अब शेर मुक्त होने ही वाला था। कुछ ही पलों में चूहे ने शेर को आजाद करवा लिया। शेर बहुत खुश हुआ और वहां से चला गया। तभी से चूहे और शेर दोनों में दोस्ती हो गई। किसी भी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। कौन कब कहां काम आ जाए कह नहीं सकते।